हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित, हम और आप जैनाचार्य श्री सर्व वर्मन आचार्य कृत जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रकरण हमारा चल रहा है और उत्तरार्ध प्रकरण में असार्व धातु प्रकरण के अंतर्गत अद्यतनी का प्रयोग हमारे बीच में है और अद्यतनी में हमारे बीच में दुए पचसुए पाके धातु का प्रयोग हम कर रहे हैं। भवादि गणी धातु भू धातु का प्रयोग किया परस्मै पदी, एदंग वृद्धौ धातु का प्रयोग किया आत्मने पदी और उसके बाद में उभय पदी डू पचसुए पाके धातु का प्रयोग हमारा चल रहा है और डुए पचसुए पाके धातु में दी विभक्ति के लाने पर हमने बनाया था अपाक छीत और ताम विभक्ति के लाने पर हमने बनाया था अपाक ताम। अब इन दोनों प्रयोग जो हमने पूर्व में सिद्ध किए हैं इनका स्मरण करते हुए हम आगे की सिद्धि आपके बीच में रख रहे हैं। हम बहुवचन में चलते हैं, प्रथमा के बहुवचन में अन प्रत्यय के आने पर अन्य विभक्ति के आने पर पच धन अन। अब यहां पर सर्वप्रथम शुरू से हम काम कर रहे हैं तो पच धन अन सिचद्य तन्याम सूत्र से सिच विकरण किया, सिच प्रत्यय किया, सिच में से ई और चा का अनुबंध लोप हो जाता है, केवल सा हमारे बीच में बचता है। उसके बाद में अस च दीर्घ, इसके पूर्व इडागमो सार धातु कस्याद, इडागमो सार धातु कस्याद व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति और सिची आदि सूत्र से पची बची आदि सिचे चात सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाने पर अब हमारी स्थिति जो है वही की वही है, पच धन साधन अन। यहाँ पर अस च दीर्घ, अस च दीर्घ जिन धातुओं की जिन धातुओं में इट का निषेध हो जाता है ऐसी अनिट धातु के होने पर उपदाभूत आकार को दीर्घ आदेश होता है। तो यह पच का जो आ है उसको दीर्घ हो जाएगा अपाच पाच धन अन और सिच बीच में है ही है तो अन के स्थान पर बाद में काम करेंगे, पहले क्रम से हम काम करते हैं। दीर्घ कर लिया है हमने पाच धन सा धन अन। अब यहां पर चा के स्थान पर का आदेश किया जा रहा है, चवर्ग से की रसवर्णे, चवर्ग के स्थान पर की माने का आदेश होता है, असवर्ण माने चवर्ग को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो चा के स्थान पर का आदेश हो गया। अब पाक सा अन। अब यहां पर नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। अब मूर्धन्य सकार आदेश होने के बाद में कासा योगेच्छा
सूत्र के माध्यम से का और शा मिलकर के छा हो जाएंगे, पाक्ष धन अन। अब यहां पर अन के पूर्व सिच था तो सूत्र अन्य सिजब व्यस्त विदादिभ्यो, अन्य उस सिजब व्यस्त विदादिभ्यो उस सूत्र के माध्यम से अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। और धातु के आदि में अट धात्वादर ह्यस्तन दत्तनी क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नये और रसकारी और विसृष्टा जो अन के स्थान पर उस आदेश किया है, अन्य उस जब व्यस्त विदादिभ्यो भुवा तो अन के स्थान पर जो उस आदेश किया है वो सा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा अपाक्षु। अब दी के बाद में सी विभक्ति आती है मध्यम पुरुष के एक वचन में, जो कार्य हमने अपाक्षीत बनाने में किया था वही पूरे कार्य यहाँ पर करना है। यहाँ पर अंतर इतना है कि वहां पर दी थी यहाँ पर सी है, दी के ई का अनुबंध लोप होता है और सी के ई का भी अनुबंध लोप हो जाएगा। और सी के ई का अनुबंध लोप होने पर विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा अपाक्षी ही। अब कैसे बनेगा तो एक बार पुनः पच धन सी सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे अकारादे व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति का निषेध। असच दीर्घ सूत्र से उपदाभूत अकार को दीर्घ और सिचाह सूत्र से दी और सी के आदि में ईद का आगम। अब ईद का आगम होने के बाद में अगला सूत्र जो धातु के आदि में अट का आगम करता है, अट धात्वादर ह्यस्तन दत्तनि क्रियाति पत्तीसु सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा। और जो सी का सा था उसको रसकारी और विसृष्टा सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा अपाक्षी ही। तम प्रत्यय के आने पर अपाक ताम की तरह धुटश्च धुटी सूत्र लगाएंगे और सिच का लोप कर देंगे तो बनेगा अपाक तम। उसके बाद में ता प्रत्यय आएगा, धुटश्च धुटी सूत्र लगाएंगे और सिच का लोप हो जाएगा तो बनेगा अपाक तो। फिर उसके बाद में अम विभक्ति आएगी। अब अम विभक्ति धुट के सामने धुट नहीं होने के कारण नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से जो सिच का सा है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत तो बनेगा अपाक्षम। वा और मा के आने पर अपाक्ष और अपाक्षम ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। पच धातु उभयपदी है। अब उभयपदी होने पर आत्मनेपद में ता आताम अंत प्रत्यय आएंगे। अब यहां पर एक विशेष चीज यहां पर ये रखना है ध्यान आपको कि अस्य जो दीर्घा सूत्र है वह केवल परस्मै पद में ही दीर्घ करता है उपदा को सिच के होने पर। अब आत्मने पद में चलाएंगे तो आत्मने पद में दीर्घ नहीं होगा, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो पच धनता पच धनता सिच प्रत्यय करेंगे सिजत्य तन्याम
उसके बाद में इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजन आदे रह कारादे सूत्र से इटके आगम की प्राप्ति, पची आदि सूत्र के माध्यम से इट का निषेध हो जाएगा और धातु के आदि में अट धातुआदि ह्यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तीसु सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है अपच धन सा धनता, असच दीर्घा यहाँ पर लगेगा नहीं क्योंकि ये परस्मै पद नहीं, सिचा सूत्र यहाँ पर लगेगा नहीं क्योंकि दी और सी नहीं है, परंतु धुटश्च धुटी ये सूत्र इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ सामने पूर्व में धुट है और सिच के बाद भी ता जो है वो भी धुट है, तो उससे सिच का लोप जरूर हो जाएगा और चवरगस्य कीरा सवर्णे वह तो लग ही जाएगा, तो चाके स्थान पर का आदेश होकर बनेगा अपाक्त अपक्त अपक्त दीर्घ नहीं होगा। अब आताम प्रत्यय आएगा तो आताम धुट के सामने सिच के सामने धुट नहीं है इसलिए चवरगस्य कीरा सवर्णे लगने के बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र और लग जाएगा तो बन जाएगा अपाक्षाताम व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत से। फिर अंत आएगा प्रत्यय तो अंत प्रत्यय में ये सभी काम हो जाएंगे नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय कासा योगे छा और नया सूत्र और लग जाएगा आत्मनेचा नकारात, उससे अंत के नकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा अपाक्षत अपाक्षत। फिर धास प्रत्यय आएगा ये धुटस्य धुटी क्योंकि सामने धुट है और सिच के पूर्व भी धुट है तो सिच का लोप हो जाएगा तो बनेगा अपक था। फिर अपक्षाताम, अब यहां पर ध्वम प्रत्यय आएगा तो ध्वम प्रत्यय यद्यपि धुटस्य धुटी है लग सकता है लेकिन ध्वम के लिए सिचो धकारे एक सूत्र व्यक्तिगत आया हुआ है कि धाके होने पर सिच का लोप होता है तो सिचो धकारे से सिच का लोप हो जाने पर जो पूर्व में का वर्ग का पहला अक्षर धुट है सामने ध्वम धा चतुर्थ अक्षर है तो एक नया सूत्र लग जाएगा धुटश्च धुटाम तृतीय चतुर्थेशु अर्थात धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ के होने पर, तो यहाँ पर चतुर्थ अक्षर ध्वम का धा है और का के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा तो बनेगा अपकत अपक ध्वम। ई विभक्ति के आने पर अपक्षी और बही प्रत्यय के आने पर अपक्ष वही और मही के आने पर अपक्ष मही। ये पच धातु का प्रयोग हमने आत्मने पद में जाना है, इस प्रकार से दुए पच सुए पाके धातु के परस्मे पद और आत्मने पद में प्रयोग पूर्ण होते हैं। अगले सत्र में हम आएंगे बद व्यक्तायाम वाची धातु के साथ शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।